गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब बच्चों। मयंक सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम वाले पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं उसी श्रृंखला में अपन AIPMT 2012 का बच्चों मेंस का पेपर आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। AIPMT 2012 में बच्चों प्री और मेंस दो पेपर होते थे, पहले प्री एग्ज़ाम होता था देन मेंस का एग्ज़ाम होता था। तो मेंस वाले एग्ज़ाम में बच्चों बायो के 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे अब तो 90 क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम जो मेंस का एग्ज़ाम था उसमें बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आते थे। उन्हीं क्वेश्चन का बच्चों आज अपन सोल्यूशन करते हैं अपने इस लेक्चर में। तो तैयार हैं आप, करें बच्चों स्टार्ट। तो बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों 2012 AIPMT मेंस का पेपर। तो कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। तो कह रहा है कि निम्न कथनों को देखो, पढ़ो और उनमें से जो सही कथन है उसको सेलेक्ट करो, चयन करो। तो बच्चों बार बार अपन बोलते भी है कि जो पूछ रहा है ना उसको आप अंडरलाइन गोला कर लीजिए, करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट अपन ढूंढेंगे। पहला स्टेटमेंट सुनो, सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल्स विटामिन। 10th माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ते ही हो आप स्पाइरुलिना एल्गी, वही। तो इसमें बच्चों एनर्जी अमाउंट में विटामिन मिनरल्स प्रोटीन का स्रोत होता है, और एक विटामिन याद रख लेना वो पूछा भी जा सकता है इसमें, एनर्जीड सोर्स ऑफ विटामिन B12 का हाँ भरपूर स्रोत साइनोकोबालेमिन का। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों ट्रू हो गया। दूसरा, बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस में बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन देन काउज पर डे। तो बच्चों ये जो देह भार की दृष्टि से मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया है, ये अपने को पता ही है कि भी अपने वेट के कंपेयर 25 टन तक पर डे इतना बायोमास प्रोड्यूस कर सकता है। अब गाय के रेफरेंस में बच्चों आता है कि भाई 200 केजी की अगर काऊ है तो मिल्क के फॉर्म में पर डे लगभग 25 ग्राम लंग बस वो क्या दे सकती है, प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसके कंपेयर ये बैक्टीरिया 25 टन तक बायोमास क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, ट्रू हो गया। थर्ड बच्चों, कॉमन बटन मशरूम आर ए वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। बटन मशरूम विटामिन सी का भरपूर स्रोत बच्चों, बटन मशरूम में विटामिन B2 होता है, B5 और B3 इनका एनरिच्ड सोर्स होता है कंपेयर टू विटामिन सी। तो B2 तो राइबोफ्लेविन होता है, B5 पेंटाथिनिक एसिड और B3 आ गया नियासिन, ये भरपूर मात्रा में मिलते हैं बटन मशरूम में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ, ए राइस वैरायटी हैज बीन डेवलप्ड विच इज वेरी रिच इन कैल्शियम। चावल की एक वैरायटी तैयार की गई जो कैल्शियम से भरपूर थी, कैल्शियम की जगह बच्चों क्या आना चाहिए था, आयरन। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें पहले दो स्टेटमेंट ट्रू है, COD फॉल्स है। तो आपसे करेक्ट की बात कर रहा है तो स्टेटमेंट A and B अपना आंसर चला गया फोर्थ। क्लियर बच्चों, चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, ये डायग्राम आपको NCERT में मिल जाएगा। ये देखो ऐसे बता देता हूँ मैं, समझ गए, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला बच्चों, उसी चैप्टर में डायग्राम अपने दे रखे हैं जहाँ वो ड्रग अल्कोहल एब्यूज वाला, तो तीन दे रखी है ना, ओपियोइड कोका एल्केलोइड और ओपियोइड दे रखी है। ओपियोइड तो पेपेवर सोमनीफेरम वाली, कोका एल्केलोइड वो एरिथ्रोजाइलन और एक कैनाबिनोइड्स कैनाबिस सैटिवा। तो ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसमें बच्चों ये तो मॉर्फिन वाला दिखा रखा ना पहले वाला, तो मिथाइल से बोलता हूं मैं, ये वाला ग्रुप है ना मॉर्फिन वाला, आप याद रख लियो बच्चों। तो ए कोकेन, तो कोकेन तो गलत हो गया। बी हेरोइन, ये भी गलत हो गया। बी कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड का सोर्स एट्रोपा बेलाडोना नहीं, कैनाबिनोइड तो कैनाबिस सैटिवा हेम्प भांग जिसको अपन बोलते हैं बच्चों। इससे ए मॉर्फिन, बिल्कुल ये मॉर्फिन का डायग्राम है जिसका सोर्स है पेपेवर सोमनीफेरम, पोपी प्लांट अफीम बोलते हैं बच्चों, और सेडेटिव और पेन किलर। तो मॉर्फिन का यूज किसके लिए, पेन किलर, दर्द निवारक के तौर पे काम आता है बिल्कुल। तो इसका भी आंसर गया फोर्थ। क्लियर है, नेक्स्ट चलो बच्चों क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इम्यूनिटी।
कि निम्न में से कौन सा कथन इम्यूनिटी के संदर्भ में बच्चों सही है, इम्यूनिटी संक्रामकता प्रतिरक्षा के संदर्भ में हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन है। परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट ए बाइट बाय ए वाइपर स्नेक, सांप वाइपर स्नेक ये जो पॉइजनस स्नेक बच्चों होते हैं इनके बाइट करने पर अपने को बनी बनाई एंटीबॉडी काम में लेनी पड़ती है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, स्नेक के पॉइजन को हम क्या बोलते हैं, वेनम। तो बच्चों वेनम के अगेंस्ट जो इंजेक्शन लगता है वो किसका होगा, एंटी वेनम। और इस एंटी वेनम में बनी बनाई रेडीमेड क्या होती है, एंटीबॉडी। परफॉर्म्ड क्या होगी, एंटीबॉडी होती है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी है। तो बस पहला इसी आ गया, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट, बिल्कुल सांप के जहर से बच्चों बचने के लिए तुरंत डॉक्टर क्या डालेगा, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी। और ये जो परफॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है ना ये पैसिव इम्यूनिटी होती है, ध्यान अपने को, जब इम्यून सिस्टम बच्चों खुद बनाए तब तो एक्टिव, और जब बनी बनाई डाल दे तो इम्यूनिटी कैसी हो गई, पैसिव इम्यूनिटी, वो पैसिव हो गई। दूसरा भी देख लो, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी हमेशा बी लिम्फोसाइट बनाता है। एंटीबॉडी आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ व्हिच हैज फोर लाइट चेन, चार हल्की श्रृंखलाएं थोड़ी होती है बच्चों, ये लिखते हैं ना H2L2, दो हेवी और दो लाइट। रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। प्रत्यारोपित अंग को रिजेक्ट करने का काम बी नहीं टी, CMI। तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट, आपसे करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये लो डायग्राम देख लो, ये भी आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी वाले में जो पीसीआर है बच्चों, ये पीसीआर वाला डायग्राम दिख रहा है, बस उसी का इक्वेशन है, कर लो सोल्व। क्या पूछ रहा है, फिगर बिलो शो थ्री स्टेप ऑफ पीसीआर, सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टूगेदर विद वाट इज रिप्रेजेंट। तो पीसीआर का स्टेप दिखा रखी है, ए आपको पता है पहली स्टेप होती है डी नेचुरेशन बच्चों, बी को हम बोलते हैं एनीलिंग, और सी को बोलते हैं एक्सटेंशन या तो प्रसार, ये पोलीमरेज चेन रिएक्शन की तीन स्टेप। तो ऑप्शन बी, बी डी नेचुरेशन, ये बी है, बी डी नेचुरेशन थोड़ी होगा, बी तो एनीलिंग होगा, विकृतिकरण नहीं होता ना बच्चों, डी नेचुरेशन तो पहला स्टेप है जिसमें टेम्परेचर देकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ए डी नेचुरेशन सही है एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 नहीं होता, हाँ हाई टेम्परेचर पर, 50 की वजह से स्टेटमेंट हो गया गलत। सी एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सी बच्चों, एक्सटेंशन प्रसार होता है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज करते हैं, कौन सा, टेक पॉलीमरेज, जो कौन से बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, ताप स्थाई मोर देन 90 पर भी एक्टिव रहेगा, बिल्कुल। ए एनीलिंग नहीं है, ए डी नेचुरेशन है, क्लियर बच्चों। तो इसमें थर्ड आंसर आ गया, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर चलो। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग, ये लो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का 12th चैप्टर का क्वेश्चन। अब देखो बच्चों ऐसे मिले हुए क्वेश्चन भी अपन ने पीछे वाले प्रीवियस एग्जाम में सोल्व कर रखे ना, ADA वाला पूछा हुआ है, हाँ 1990 में चार साल की एक बच्ची के रेफरेंस में ऐसा क्वेश्चन बनकर भी आ गया, बिल्कुल एनसीईआरटी का है। और वो कौन सी डिजीज थी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशियंसी, स्किड वर्ड यूज करते हैं ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी, वो इस एंजाइम वाला एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशियंसी, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है बच्चों, जिसमें इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता। फोर्थ हो गया, बिल्कुल एनसीईआरटी का मिलते जुलते क्वेश्चन देखो बच्चों, पूछ लिए जाते हैं, ये लो ये भी आया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस ऑफ डीएनए, बायोटेक फिर आ गई आपके सामने, किसमें से डीएनए की कौन सी सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है, तो पैलिंड्रोमिक याद आया गया, पैलिंड्रोमिक का मीन बच्चों ऐसा डीएनए जिसको हम दोनों दिशाओं से सेम पढ़ते हैं, जैसे 5-2-3 भी वही पढ़ा जाएगा और इधर से इधर भी सेम पढ़ा जाता है, डीएनए सेम रीड फ्रॉम बोथ हैंड, दोनों साइड से सेम, जैसे वो एक आध एग्जाम्पल भी लिखते हैं ना एनसीईआरटी में, मलयालम दे रखा है बच्चों, मैंने लिखा एंड मैडम डीएनए, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, एंड मैडम डीएनए, इधर से पढ़ोगे तब भी एंड मैडम डीएनए, इधर से बेटा जी पढ़ोगे तब भी एंड मैडम डीएनए, ऐसी सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक बोलते हैं अपन, दोनों डायरेक्शन से सेम। अब देख लो ऑप्शन पहला,
पांच से तीन जी डबल ए डबल टी सी, इधर भी पांच से तीन जी डबल ए डबल टी सी, तो पहले आ गया, सेम आ गई। और इस ये वही सीक्वेंस है जिस पर कौन सा एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा, इको आर फर्स्ट, यहां डबल सी डबल ए टी जी डबल सी टी आ गया, तो गड़बड़, तो देख लो बाकी कोई मैच नहीं करिए, तो आंसर आ गया फर्स्ट। तो वो सीक्वेंस जिसको दोनों दिशाओं से अपन सेम पढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन, उत्परिवर्तन से संबंधित कौन सा कथन गलत है, म्यूटेशन से रिलेटेड, म्यूटेशन आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर में दे रखा है बच्चों। डिलीशन एंड इंजर्शन ऑफ बेस पेयर कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट याद आया गया, ये मोल बायो में मिल जाएगा, जेनेटिक कोड के ठीक आगे वाला पेरा है ना, उसी पेज पर दे रखा है। फ्रेम शिफ्ट में ही होता ना कि या तो किसी नाइट्रोजिनस बेस को हटा दो बच्चों, हटाने को तो डिलीशन बोलते हैं, और कोई नया नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए तो इंजर्शन कहलाता है, प्रवेश करना। जैसे कोई सीक्वेंस आपको दे दी एयूजी ट्रिपल सी जी ए जी जी ए सी, कुछ भी दे दिया बच्चों, इस सीक्वेंस में मैंने बोला कि भाई एयूजी के बाद में यहां एडिनिन बेस पेयर ऐड करो बीच में, तो नया जब नाइट्रोजिनस बेस क्षारक ऐड होगा जुड़ेगा तो आगे की पूरी श्रृंखला सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, तो जुड़ना तो इंजर्शन है। और कोई भी, जैसे मैंने कहा कि बच्चों एक साइटोसिन वहां से हटा दो, कोई बेस हट गया, हटना क्या कहलाता है, डिलीशन विलोपन, तो इन दोनों की हमने फ्रेम शिफ्ट गिबेरिश म्यूटेशन भी कहा जाता है। तो पहला तो सही है। कैंसर सेल कॉमनली शो क्रोमोसोमल एबेरेशन, कैंसर कोशिकाओं में गुणसूत्रीय एबेरेशन विपथन दिखाई देता है, तो बच्चों क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आता है क्रोमोसोमल एबेरेशन, गुणसूत्रीय विपथन, एक विपथन आता है, एक अपन हेटेरोप्लोइडी पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन में एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, कि जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन वो एबरेशन कहलाता है, और संख्या में परिवर्तन होता है तो बच्चों उसको हेटेरोप्लोइडी कहते हैं अपन, जीनोमेटिक म्यूटेशन। जैसे 46 से 47 हो गए, डाउन सिंड्रोम आ गया, जैसे एक एक्स बढ़ गया तो क्लाइनफेल्टर आ गया, एक एक्स फीमेल में कम हो गया तो बच्चों टर्नर सिंड्रोम आ गया, वो सारे, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी का है। यूवी एंड गामा रेज आर म्यूटाजन, बिल्कुल, तो म्यूटेशन उत्पन्न करने वाले फैक्टर को म्यूटाजन बोलते हैं, ये रेज म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं, म्यूटाजन है बच्चों। चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए डजंट कॉज म्यूटेशन, डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन से म्यूटेशन नहीं होता, गलत, एक बेस पेयर चेंज होते ही बच्चों क्या हो जाता है, म्यूटेशन। जैसे सिकल सेल एनीमिया याद आ गया, एक बेस से ही पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं उनको, बिंदु परिवर्तन, छोटे से पॉइंट पे चेंज आने से बच्चों चेंज आ जाएगा। वहां आप देखते भी हो कि जी ए जी एडिनिन की जगह थाइमिन आ जाएगा, बस इतना सा ही चेंज हुआ, फिर जी ए जी से जब इससे आरएनए बनेगा तो जी यू जी बन जाएगा, तो ग्लूटामिक की जगह कौन आ गया, वेलिन आ गया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, डजंट कोज, एक बेस में चेंज होने से म्यूटेशन हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग, तो फोर्थ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A test cross genetics का, A test cross is carried out to, test cross का काम बच्चों, तो test cross तो पता ही आपको कि जो F1 generation है उसका cross बच्चों किससे करवाया, recessive parents से। F1 का अगर अप्रभावी जनक से क्रॉस हो उसे अपन टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड के F1 में आया कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे करवाया, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और एनसीईआरटी में डायग्राम से समझा भी रखा है टेस्ट क्रॉस का यूज किसके लिए करते हैं, कि जो डोमिनेंट अननोन पेरेंट है उसके जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि एक पेरेंट का जीनोटाइप तो क्लियर होगा, वो तो रिसेसिव होता है हमेशा टेस्ट क्रॉस में, दूसरा जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप क्या है, हो सकता है वो कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो या कैपिटल डी कैपिटल डी, तो ये इसको नोन करने के लिए अपन करवाते हैं टेस्ट क्रॉस। तो देख लो, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एट Z2, उस प्लांट के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, टेस्ट क्रॉस। अरे देख लो, मान लो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, इस क्रॉस से बच्चों ये आ गया,
50% प्लांट टोल होंगे, 50% प्लांट ड्वार्फ होंगे, 50 लंबे 50% बोने होंगे। अगर इसकी जगह मैंने ये लिख लिया कैपिटल डी का ग्रोथ इस वाले से, तो 100% प्लांट क्या होंगे, टोल होंगे। तो पता चल जाएगा अगर 50% टोल हो रहे हैं तब तो जीनोटाइप उस डोमिनेंट का ये है, अगर 100% टोल हो रहे हैं तो जीनोटाइप ये है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर इसका। नेक्स्ट चले बच्चों, ये लो बायोटेक इसका मोल बायोजेनेटिक्स से मिक्सिंग क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, चार कथनों को पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर राइट, और इनमें से कितने सही है वो देखो, चार में से कितने सही है। इन ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसिन पेयर विद यूरेसिल, ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से क्या बनना, एमआरएनए। तो सीधी सी बात है, एडिनोसिन एडिनिन की जगह वहां थाइमिन तो आएगा नहीं, थाइमिन की जगह आरएनए में कौन होगा, यूरेसिल होगा। एडिनोसिन बच्चों ऐसे बता सकते हो आप, ये फर्स्ट कार्बन पे ये जुड़ गया, न्यूक्लियोसाइड है एडिनोसिन, और एडिनाइलिक एसिड में लिख दूं तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अब इस ए से आरएनए में बच्चों कौन जुड़ जाएगा, यूरेसिल। तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए ही बनना है, और ए और यू के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रू मान लेंगे पहले वाले को। दूसरा, रिप्रेशर रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेशर इज रेफर्ड टू एज पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव नहीं इसका रेगुलेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अपने नेगेटिव बच्चों सिलेबस में दे रखा है ऋणात्मक, तो ये फॉल्स हुआ। ह्यूमन जीनोम इज अप्रोक्सीमेट 50,000 जीन, कितने बताए थे, एचजीपी में लगभग 30,000 जीन होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, फॉल्स हो गया। हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ट्रू है, हीमोफीलिया लिंग से लग्न अप्रभावी विकार है, जीन मिलती है एक्स क्रोमोसोम पे। तो ए और डी तो ट्रू है, बी और सी फॉल्स है, तो दो सही है दो गलत है, आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर? क्लियर है तो चलो अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है बालकों। क्वेश्चन 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा जीव उसके तीन लक्षणों के साथ सही मिलाया गया है, करेक्टली मैच्ड, मैच कर लो। मटर पी 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 बोले तो लेग्यूमिनोसी, सी थ्री पाथवे ठीक, एंडोस्पर्मिक सीड बच्चों, एंडोस्पर्मिक सीड पी पी क्या है, एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक होगा कि नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा ना, तो ये इस वजह से गलत हो गया। टोमेटो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, टोमेटो टमाटर में ट्विस्टेड नहीं होता, गलत। ऑनियन प्याज बल्ब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एक्साइल प्लेसेंटेशन मोनोकोट है, सही है। मेज मक्का C3, C3 की जगह क्या आना चाहिए था, C4 पाथवे, तो इसमें करेक्टली मैच कौन सा है, थर्ड, बाकी सारे बच्चों क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बच्चों मार्जिनल प्लेसेंटेशन कितने प्लांट में शोर है, तो मार्जिनल अपने को पता है जब फैमिलीज अपन पढ़ते हैं, तो ये फीचर है किस फैमिली का, लेग्यूमिनोसी का, लेग्यूमिनोसी जिसमें दालें अपन बताते हैं उसी फैमिली में मार्जिनल प्लेसेंटेशन बच्चों मिलता है। अब देख लो इन एग्जांपल में से लेग्यूमिनोसी के कौन कौन है, मस्टर्ड तो सरसों हो गई, ग्राम एक तो ये आ गया, ग्राम पे टिक लगा लूँ मैं, ठीक है। ट्यूलिप एस्पेरेगस अरहर, अरहर आ गई, दाल सनहेम्प, कोल्चिसिन ओनियन मूंग पी, मटर और एक ल्यूपिन, ल्यूपिन भी आता ना, हाँ सजावटी इसी लेग्यूमिनोसी में ही है। तो कितने आ गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में आ गया थर्ड, कर दे कर दिया तो देर किस बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की ज्यादा आ रखे हैं क्वेश्चन, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चों, और ये देखो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर राइट, कितने स्टेटमेंट सही है इन चार में से वो आपसे पूछ रहा है। पहला, बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन तो फोटोसिंथेसिस, फोटो की प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में हो गया, और ऑक्सीडेटिव ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल बच्चों प्रोटोन मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर होंगे, वही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एटीपी प्रोडक्शन, ट्रू हो गया ना।
इन डाइकोट स्टेम में न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स ऑफ पेरिसाइकल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. पेरिसाइकल ये वेवी जो बच्चों बनती है वो तो स्टेम की बजाय किस में आएगी, रूट में, रूट में रहता ना. तो डाइकोट स्टेम की वजह से यहां क्या हो गया, गलत, फॉल्स हो गया. स्टेमिन इन फ्लोवर ऑफ ग्लोरियोसा एंड पिटूनिया आर पोलिएंड्रस. पोलिएंड्रस, पोली एक से ज्यादा, एंड्रोसियम तो इनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा होते हैं ग्लोरियोसा और पिटूनिया में. तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू. सिम्बायोटिक नाइट्रोजनस फिक्सचर अकर इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन सोइल. तो सिम्बायोटिक है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया वगैरह है वो फ्री लिविंग थोड़ी होंगे, सिम्बायोटिक ही दे दिया तो फ्री लिविंग नहीं होते. ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ, फॉल्स. तो राइट आपसे पूछ रहा है, ए ट्रू हो गया और सी ट्रू हो गया, बी और डी इसमें क्या है, फॉल्स है. तो दो राइट हो गए तो आंसर आ गया फर्स्ट. क्लियर. नेक्स्ट, through their effect on plant growth regulator. Plant growth regulator, what do the temperature and light control in the plant? कौन सी process को light और temperature control करता है plant growth regulator के reference में. तो plant growth regulator में बच्चों hormone जैसे वो फ्लोरीजेन वगैरह बताते हैं ना अपन hypothetical. तो फ्लोरीजेन वगैरह hormones कौन सी process को, नाम से याद रख लियो, flowering. लाइट और टेम्परेचर का तो अदर इफेक्ट भी होता है बट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर साथ में दे दिया ना, लाइक फ्लोरीजेन, तो फ्लोरी फ्लोवरिंग प्रोसेस को, पुष्पीकरण वाली जो क्रिया है पुष्पन, उसी को कंट्रोल करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. क्लियर है, चलो क्लियर है. तो स्टोमेटा का भी आ सकता है बट वो रेगुलेटर साथ कर दिया ना तो अपन ने इसको फ्लोवरिंग कंसिडर किया. नेक्स्ट, Which one of the following generally act as an antagonistic to zibrelin? एंटी में भी पूछा था है, तो कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के बच्चों मिलेंगे कंसेप्ट के. तो जिब्रेलिन का जो एंटागोनिस्टिक है वो सीधा ही एब्सिसिक एसिड आ गया, ए बी ए. ये जिब्रेलिन का विरोधी बोल सकते हो, एंटागोनिस्टिक. अपने ह्यूमन एंडोक्राइन में भी कुछ एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन है बच्चों जिनके काम एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे पीटीएस टीसीटी, जैसे इंसुलिन ग्लूकागोन, उनके फंक्शन एक दूसरे के विरोधी, एंटागोनिस्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू ए डाइकोट रूट ए मोनोकोट रूट हेज. कि डाइकोट रूट के कंपेयर में मोनोकोट रूट में क्या होगा, एक बीजपत्रीय जड़ में क्या. तो पहला बच्चों मोर एबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी ग्रोथ वाला तो होता ही नहीं है तो ये तो गलत है. मैनी जाइलम बंडल, अब देखियो बच्चों डाइकोट में तो बताते हैं ना टोटल वो 2 से 5, 2 से 6 तक, और अगर मोर देन 6 है, 6 या मोर देन 6 है तो बच्चों मोनोकोट रूट के रेफरेंस में यूज कर लेते हैं. तो मैनी जाइलम बंडल ज्यादा है मतलब वो किसके रेफरेंस में आ जाएगी, मोनोकोट. इन कॉन्स्पिशियस एनुअल रिंग्स, सेकेंडरी ग्रोथ हो ही नहीं रही. रिलेटिवली थिकर पेरी ड्रम, तो आंसर गया सेकेंड. जाइलम बंडल कंपेयर टू डाइकोट मोनोकोट में क्या होंगे, ज्यादा बच्चों. अगला क्वेश्चन, For its action, nitrogenase require nitrogenase enzyme. Nitrogenation fixation में पढ़ते हो, nitrogenase को सक्रिय होने के लिए किसकी requirement होती है, ATP, high energy चाहिए बच्चों. वो एक reaction NCERT में दे रखी है ना, initiation active होने के लिए तो शुरुआत में 4 ATP और वैसे total दूसरी reaction में 16 ATP बता रखे हैं. तो फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेज को क्या चाहिए, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उच्च निवेश, ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएट करने के लिए 4, वैसे टोटल 60. क्लियर है फंडा, चलो फिर क्लियर है. तो वर्नेलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लोवरिंग, इन वर्नेलाइजेशन से वसंतीकरण द्वारा फ्लोवरिंग किस में बच्चों, ये देखना एक अच्छा क्वेश्चन. जमीकंद, टर्मरिक, कैरेट, जिंजर. देखो गाजर जो होती है ना बच्चों, गाजर कैसा प्लांट है, बाइनुअल है, द्विवर्षीय है. तो एक साल तो वो गाजर वही बच्चों जो इसमें फूड स्टोर करती है स्टार्च के फॉर्म में, देन नेक्स्ट ईयर उसमें वो फ्लोवरिंग वगैरह होती है. तो इस वर्नेलाइजेशन प्रोसेस से बच्चों उसी सेम ईयर उसमें फ्लोवरिंग वाली प्रोसेस को स्टिमुलेट किया जा सकता है. तो बाय एनुअल से वो एक वर्षीय वर्नेलाइजेशन से कन्वर्ट किया जा सकता है. तो ये कैरेट वाला एग्जाम्पल इसमें आ गया जिसमें वर्नेलाइजेशन वसंतीकरण द्वारा फ्लोवरिंग को कंपेरेटिवली नॉर्मल से जल्दी कर लिया जाता है. चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, What is the function of germ pore? सीधा ही क्वेश्चन आ गया प्लांट एम्ब्रियो का, germ pore का फंक्शन, वहां से germ pore से बाहर क्या आएगी, जो पोर होते हैं जहां से किसको कौन बाहर निकलती है, पोलन ट्यूब.
एमरजेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, पराग नलिका का आरंभन, वो कहां से आएगी? जम पोर से। सीधा ही है बच्चों। चलो फिर, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाई, ऐसे पादप जिनमें अंडाशय में केवल एक या थोड़े से ही बीजांड पाए जाते हैं, उनमें परागकण किससे होता है? अब बच्चों देखो, ज्यादा अगर ओव्यूल्स होते हैं ना, ज्यादा ओव्यूल होते हैं तब तो बच्चों उनके लिए वो हाँ पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा स्ट्रिक्ट पोलिनेटर चाहिएगा तभी तो प्रॉपर सारे ओव्यूल्स को वो पोलिनेट कर पाएगा, तो वहां तो कोई ना कोई इंसेक्ट बर्ड्स होना ही चाहिए। अब लेकिन ये कह रहा है कि जिसमें ओनली वन और कुछ ही ओव्यूल्स है तो उस रेफरेंस में एकाध पोलन ग्रेन से ही काम चल जाएगा। जैसे मेज वाले प्लांट में अपन एग्जांपल लेते भी है तो 20 बटरफ्लाई बर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ डायरेक्ट हवा से ही हो सकता है सीधा। लेकिन जहां ओव्यूल्स की नंबर ज्यादा होती है बच्चों, वहां हवा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो विंड के थ्रू ही वो पोलन ग्रेन्स आ जाए, हो सकता है विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाए कुछ और, तो वहां स्ट्रिक्टली ये इंसेक्ट वगैरह वो चाहिए पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां जब ओव्यूल की नंबर कम है, एक है, तो वहां विंड से ही क्या हो जाएगा? पोलिनेशन। तो इसमें आंसर अपना फोर्थ आएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड ग्रोव्स आगे ना, पवित्र उपवन। पुराने टाइम में बच्चों कुछ जो फॉरेस्ट में कुछ एरिया ऐसा रेस्ट्रिक्टेड कर देते थे अपने एनिमल्स और के लिए, ताकि वो वहाँ प्रॉपर सर्वाइव कर सके, कंजर्व रह सके, वहाँ उनका शिकार और पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता था। तो सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र उपवन किस संदर्भ में आ गए? तो उनको कंजर्व करने के लिए होते हैं। देख लो, जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्रिवेंटिंग सॉयल इरोजन, मृदा अपरदन से कोई रोग नहीं है, हाँ, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज, दुर्लभ और संकटपंच प्रजातियों का संरक्षण, उस पर्टिकुलर एरिया में उन स्पीसीज को जो विलुप्ति के कगार पर है, दूसरी स्पीसीज को पूरी तरह से क्या कर लिया जाता था? संरक्षण, उसको सेक्रेड ग्रोव्स बोलते थे, पवित्र उपवन, पवित्र भूमि मान ली भी, वहां उनको सरवाइव करें, वहां उनका हंटिंग वगैरह पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता था बच्चों। अगला, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई रैबिट इन ए ग्रासलैंड इज कॉल्ड, रैबिट, खरगोश, हर्बीवोरस। तो बच्चों ट्रॉफिक लेवल से देख लियो कि सबसे पहले तो प्रोड्यूसर आ गए ग्रीन प्लांट, इस पर डिपेंड रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर आ गए। तो रैबिट जनरली अपन किस में इंक्लूड कर लेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में। तो प्राइमरी कंज्यूमर में बच्चों रेस्पायरेशन के बाद जो प्रोडक्टिविटी बचेगी वो कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी, सेकेंडरी होगी ना। अभी प्राइम प्रोड्यूसर में तो ग्रोस प्रोडक्टिविटी में से हटा दोगे तो नेट आ गई, देन प्राइमरी कंज्यूमर से कनेक्टेड जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता, रैबिट के रेफरेंस में हर्बीवोरस। क्लियर है? प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट बच्चों, कस्कूटा, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमरबेल कस्कूटा एक्टो पैरासाइट है कि एंडो है? एक्टो ये बच्चों बाहरी ग्रो करती है ना, एंडो देखो अंतः परजीवी जो होते हैं ना वो तो पूरी तरह से बॉडी के अंदर, जैसे अपन ह्यूमन के रेफरेंस में पढ़ते हैं ना, वो टेपवर्म आ गया, एस्केरिस आ गया, उचरेरिया आए थे जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं बच्चों, वो एंडो पैरासाइट। कस्कूटा ऐसी अमरबेल जो है वो प्लांट के दूसरे प्लांट के स्टेम के सारे ग्रो करती है, हालांकि इसकी भी जो वो उसके रूट वगैरह के जो पार्ट होते हैं वो तो प्लांट के अंदर जाते हैं, बाकी पूरी तरह से अंदर नहीं होती, बाहरी सर्वाइव करती है, इसलिए इसको एक्टोपैरासिटिज्म फर्स्ट बोलते हैं। क्लियर है? और बॉडी के पूरी तरह से दूसरे के अंदर रहे होस्ट के तो एंडोपैरासिटिज्म, अंतः परजीवी। नेक्स्ट बच्चों, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज ऑक्यूपाइड बाई प्लांट्स लाइक, इकोलॉजी का क्वेश्चन, हाइड्रोसियर पानी वाले जो जल अनुक्रमण बोल देते हो ना, हाइड्रोसियर में सबसे पहले तो कैसे हाँ फाइटोप्लैंकटन टाइप के बच्चों प्लांट आते हैं, पादप पलवक जिनको बोल सकते हो आप, देन फिर वो सबमर्ज टाइप आते हैं, सबमर्ज में सेकंड जो स्टेज है सबमर्ज में आगे, उसमें जैसे अपन बात करें हाँ वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया बच्चों इसमें वैसे तो पूरा प्लांट पानी के अंदर ही रहता है, बस इसके जो फ्लोवर होते हैं वो सरफेस के बाहर रहते हैं, फीमेल फ्लोवर मेनली, बाकी पूरा प्लांट पानी के अंदर ही, सेकंड स्टेज में आगे, फर्स्ट में आगे थे क्या? फाइटोप्लैंकटन वगैरह। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
ये लो, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, हाँ 1960s, तो बच्चों 1960s में थे, 63 के लमसम तो वो वीट की वैरायटी आई थी ना, सोनाली कार, वो सोनारा कल्याण हुई, और 66 के लमसम स्वामीनाथन जी, हाँ तो वो एक राइस की वैरायटी, तो 1960s के लमसम ये क्या आई थी, हरित क्रांति, जिससे जो ये अपने उपयोगी ग्रीन प्लांट थे इनकी प्रोडक्टिविटी को हाईली इंक्रीज किया गया, 3 गुना तक बताते हैं, क्लियर है। 85 के बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, हेलो सीधा ही, गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट, गोबर गैस से कनेक्टेड कई क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट किसकी आ गई, मिथेन की आ गई, वो मेथेनोजन बैक्टीरिया, सीधा इसमें आ गया आंसर मिथेन। अगला फिर से स्टेटमेंट दिख रहे हैं, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, इन 4 कथनों को पढ़ो और उसमें से कितने कथन गलत है वो बच्चों बताओ। पहला, कोलोस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन, माँ का इनिशियल जो माँ का बच्चों मिल्क दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और वो छोटे बच्चों के लिए इसेंशियल है, आवश्यक है, क्यों, क्योंकि उसमें एंटीजन होता है कि एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी, तो एंटीजन की वजह से गलत हुआ ना, एंटीबॉडी कौन सी बच्चों, IgA, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, चिकनगुनिया बैक्टीरिया से नहीं होता, एक वायरस से होता है, चिक वायरस से, कौन, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जिसमें जॉइंट बच्चों पेन रहता है, उसका वेक्टर एडीज मॉस्किटो होता है, एक वायरल डिजीज है ना कि बैक्टीरियल, तो ये भी फॉल्स है, गलत है। टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट, ठीक है, उत्तक संवर्धन से वायरस रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, वही मेरिस्टेमिक टिश्यू लेकर बच्चों उसकी जो फास्ट मल्टीप्लीकेशन होता है कंपेयर टू वायरस, तो उस वायरस बिना वायरस के प्लांट वही हो गया ना, ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट, ही तो मेथड है, क्लियर है। 9th चैप्टर अपना, बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस, डिस्टिलेशन आएगा कि विदाउट डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन की वजह से गलत हो गया, तो ये भी फॉल्स, तो इसमें सी एक करेक्ट है, ए बी और डी फॉल्स है, तो रोंग पूछा है, तो 3 रोंग आ गए, 3 आ गए, तो आंसर गया सेकेंड, क्लियर, चलो क्लियर। तो टोबेको प्लांट रेजिस्टेंस टू ए निमेटोड, ये बायोटेक का 12वां चैप्टर बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस वाला, मेलोडी गाइने इनकोग्निशिया एक ऐसा निमेटोड है जो टोबेको प्लांट की रूट पर इन्फेक्शन करता है, रूट वाला भी पूछा हुआ है, जिससे नोड्यूल बन जाते हैं और टोबेको का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए निमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस इन द होस्ट सेल, तो टेक्निक क्या थी, आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं ना उसको बच्चों, अब इसमें वो सेंस एंटीसेंस आरएनए थे, तो वहां फिर वो सिंगल से कैसा आरएनए बना दिया था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए डबल स्टैंडर्ड बच्चों से हो जाता है तो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और बिना ट्रांसलेशन अनुवादन के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा वो खुद को होस्ट में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये सेंस और एंटीसेंस आरएनए फर्स्ट, ध्यान रख लेना बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस टोबेको के किस पार्ट पर इफेक्ट करता है ये भी पूछा गया है, रूट पर, और उस निमेटोड का नाम है मेलोडी गाइने इनकोग्निशिया, क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पर, फिर से बायोटेक का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, बायोलिस्टिक इज सुटेबल फॉर जीन गन, बिल्कुल एनसीईआरटी का जीन गन मेथड प्लांट के लिए यूज करते हैं ना, बायोलिस्टिक जीन गन में बच्चों वो गोल्ड और टंगस्टन, हाँ वो डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए है उसको गोल्ड और टंगस्टन के थ्रू फिर जीन गन मेथड की तरह उन्हें प्लांट सेल पर उनकी बॉम्बार्डमेंट बमबारी करवाते हैं, एनिमल सेल के लिए तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड थी और प्लांट के लिए बच्चों बायोलिस्टिक और जीन गन, जिसमें किससे कोटेड, ये गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड, तो डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, प्लांट के लिए बायोलिस्टिक जीन गन यूज करते हैं, जबकि एनिमल है तो वो माइक्रो इंजेक्शन वाली मेथड थी बच्चों। चलो आगे, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक का क्या यूज था, फिर से बायोटिक का पीबीआर 322 वाला डायग्राम बच्चों देख लो, पीबीआर 322 इसमें बता रखा है एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस,
एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है? एंटीबायोटिक होती है, प्रतिजैविक होती है। तो एंटीबायोटिक्स का यूज क्यों किया जाता है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का यूज क्यों करते हैं? वो सिलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्हक, तो वही है बच्चों, इसी से वो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उनको आइडेंटिफाई करने, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटाने, उनके लिए यूज करते हैं। तो एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में। हालांकि ये जो सेलेक्टेबल मार्कर ना बच्चों, ये एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। एम्पीसिलिन, एएमपी ऊपर आर जो लिखा ना, आर का मीन रेजिस्टेंस, एम्पीसिलिन के लिए वो क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधी है, एम्पीसिलिन की प्रेजेंस में वो इजीली ग्रोथ कर लेगा। बाकी हमें पता है कि नॉर्मली जो बैक्टीरिया है उनकी एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं होती है। Which one of the following pair of animal are similar to each other pertaining to the feature stated against them? Animal के नाम दे रखे हैं, आगे उनका character दे रखा है, similarities जो show करे वो ढूंढ लो, taxonomy का question है। Pteropus and Ornithorhynchus, Pteropus बच्चों चमगादड़, bat, bat आती China याद आता है क्या? कोरोना सही। Ornithorhynchus बच्चों प्लेटीपस, प्लेटीपस बोले तो एक ऐसा मैमल सर जो ओवीपेरस है, ध्यान है वीवीपेरिटी तो गलत हो गया, जरायुष थोड़ी होते हैं। Ornithorhynchus प्लेटीपस कैसा है, ओवीपेरस है, इंपॉर्टेंट मैमल है बच्चों। दूसरा गार्डन लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, छिपकली और मगरमच्छ, थ्री चैम्बर हार्ट, थ्री थोड़ी होता है, क्रोकोडाइल में कितना, फोर चैम्बर हार्ट होता है, गलत हो गया। एस्केरिस एंड एनसाइलोस्टोमा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक होता है ट्रू सेगमेंटेशन, और ट्रू याद रख लेना एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोरडेटा में, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा कोरडेटा फाइलम में, जबकि एस्केरिस और एस्केलमंथीज है, गलत हो गया। सी हॉर्स समुद्री घोड़ा और फ्लाइंग फिश, कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं ना, हेटरोथर्मल, क्योंकि वार्म ब्लडेड बच्चों, होमोथर्मल तो दो ही होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, बाकी ज्यादा के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश बोथ आर क्या है, ट्रू फिशेज है, ऑस्टिक्थीज है। फ्लाइंग फिश का नेम ध्यान गया, एक्सोसीटस, और सी हॉर्स बच्चों हिप्पोकैम्पस, आंसर गया फोर्थ, दोनों सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले हैं। हाँ, फिर से एक टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन। एनिमल कैटेगरी देखो जिसमें कोई बिना किसी अपवाद के उनको सही मिलाया गया विदाउट एनी एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, जहां तक बच्चों पिछले तीन चार साल से टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पांच साल से वो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल आ रहे हैं, इस चैप्टर को तो आप पूरा एनसीईआरटी से ही कवर कर लेना, ठीक है ना। तो ऑल रेप्टाइल्स पजेज स्केल हैव ए थ्री चैम्बर हार्ट, फिर से वही बात दे दी, क्या सारे रेप्टाइल में बच्चों तीन चैम्बर हार्ट होता है, अभी बता रहे थे क्रोकोडाइल में तो फोर चैम्बर होता है, गलत हो गया ना, विदाउट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ऑल बोनी फिशेज हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, सारी अस्थिल मछलियों में फोर पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, दोनों साइड में ओपरकुलम होता है, दोनों साइड में फोर पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। अब बच्चों ओपरकुलम होता है ना, गिल्स की कवरिंग को बोलते हैं ओपरकुलम, ऑस्टिक्थीज में होता है बट कॉन्ट्रिक्थीज में नहीं होता, ऑस्टिक्थीज बोनी फिश है, कॉन्ट्रिक्थीज कार्टिलेजिनस फिश है। ऑल स्पंजेज आर मैराइन, गलत, सारे स्पंज मैराइन होते हैं क्या, वो एक एक्सेप्शन बच्चों स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला कैसा है, फ्रेश वाटर स्पंज है। ऑल मैमल्स आर वीवीपेरस, गलत, सारे मैमल्स वीवीपेरस नहीं होते, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने एक नाम बताया था प्लेटीपस, ये ओवीपेरस होता है, तो आंसर गया सेकंड, सारी बोनी फिश में फोर पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और ओपरकुलम होगा, जबकि कार्टिलेज फिश में फाइव पेयर गिल्स होते हैं और उनमें ओपरकुलम नहीं होता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। कुछ एग्जाम्पल दिए नाम, उनको नोमेनक्लेचर के बेस पर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसके अकॉर्डिंग सही कौन सा दे रखा है बच्चों, वो ढूंढना है। पहला दे रखा है मस्का डोमेस्टिका, मक्खी हाउस फ्लाई, मस्का जीनस है, डोमेस्टिका स्पीसीज है। द कॉमन हाउस लिजार्ड, गलत बात, लिजार्ड थोड़ी है, हाउस फ्लाई है, इंसेक्ट है, मक्खी है।
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बिल्कुल एनसीईआरटी का हेल्थ डिजीज में बच्चों, प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज दे रखी थी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरी ओवम ओवल फैल्सीपेरम, तो सबसे घातक फैल्सीपेरम था, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है वही वाला, तो फैल्सीपेरम ए प्रोटोजोआ पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, सबसे घातक मलेरिया इसी से होता है, सही बात है। फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर, टाइगर फेलिस टाइग्रिस नहीं होता, पैंथेरा टाइग्रिस होता है, फेलिस, फेलिस तो बच्चों बिल्ली, कैट को फेलिस, और कैनिस कुत्ता डॉग। ई कोलाई फुल नेम एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा कोलाई नहीं होता, एसिडिशिया कोलाई होता है, ठीक है बच्चों, तो आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर आपके सामने, Which one of the following cellular part is correctly described? कौन सा कोशिकीय भाग को सही डिस्क्राइब किया गया, सही वर्णित किया गया? पहला थाइलेकोइड, थाइलेकोइड flattened membranous sac forming the grana of chloroplast, तो थाइलेकोइड ही होते हैं ना बच्चों, थाइलेकोइड ऐसे के ऊपर एक अरेंज होकर क्या बना देते हैं, पहले तो वो कहलाते हैं ग्रेनम, और ऐसे कई ग्रेनम का बच्चों जो कनेक्शन होता है, कई ग्रेनम एक साथ बेटा जी क्या कहलाएंगे, ग्रेना, तो ग्रेना ए लास्ट में लग गया ना तो वो प्लूरल हो गया, और ग्रेनम होता है सिंगुलर, वो थाइलेकोइड से बनते हैं, तो सही आ गया, पहला ही सही आ गया। और देख लो दूसरा, सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, सेंट्रियोल आरएनए सिंथेसिस का स्थल थोड़ी होता है। राइबोसोम दोजोन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर एटीएस, गलत, लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिवेट पीएच ऑफ अबाउट 8.5, लाइसोसोम के तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं ना कि 8.5 पे, ये तो बेसिक हो गया, क्लियर है, फर्स्ट ही आ गया। नेक्स्ट सेल डिवीजन का क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द म्यूटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिन रिमेन एसोसिएटेड द सेंट्रोमियर, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, हाँ ये तो आप जेनेटिक्स में भी पढ़ते हो, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता ना, पृथक्करण का नियम, तो कौन सी स्टेज में बच्चों सेग्रीगेट होते हैं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, एनाफेज फर्स्ट में, याद रख लेना, तो आने वाले क्वेश्चन है ऐसे। नेक्स्ट, Which one of the following biomolecule is correctly characterized? सही रूप से किसको characterize किया गया है? Biomolecule 9th chapter 11th NCERT का question. Lecithin एक important phospholipid है, इसके question बने हुए हैं. Lecithin एक phosphorylated glyceride found in cell membrane. बिल्कुल बच्चों NCERT की line ही मिलेगी आपको 9th chapter में. Lecithin जो एक phospholipid है, lipid के साथ S3PO4 phosphate. दूसरा पामिटिक एसिड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन, गलत, एडिनाइलिक एसिड एडिनोसिन विद ए ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ग्लूकोज फॉस्फेट नहीं, शुगर तो राइबोज होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। एलानिन अमीनो एसिड कंटेन ए अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एनी वेयर इन द मॉलिक्यूल, एलानिन अमीनो एसिड, एलानिन एसिडिक में तो कौन से थे, एसिडिक दो ही होते हैं बच्चों, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, और हिस्टिडिन आर्जिनिन लाइसिन कैसे होते हैं, बेसिक, बाकी 15 न्यूट्रल होते हैं, तो गलत हो गया ना, आंसर आ गया इसका फर्स्ट ही आ गया। द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉट फोर्थ बाई, बिल्कुल एनसीईआरटी में इवोल्यूशन में मिल जाएगा, म्यूटेशन का आइडिया किसका था, ह्यूगो डी व्रिज का था, और म्यूटेशन थ्योरी वाला, और इनका एक्सपेरिमेंट बच्चों किस प्लांट पे, एवनिंग प्रिमरोज, इसको इनोथोरा लेमार्कियाना वर्ड भी देते हैं, तो पहला ही दिख रहा मुझे ह्यूगो डी व्रिज हु वर्कड ऑन एवनिंग प्रिमरोज प्लांट, ठीक है, ग्रेगर मेंडल अलग थे, हार्डी विनबर्ग तो वो इक्विलिब्रियम वाला, और चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन, तो म्यूटेशन की बात आए तो ह्यूगो डी व्रिज, साल्टेशन वर्ड का भी पूछा हुआ है, साल्टेशन भी नहीं का, हाँ वो भी आ जाता है, आ जाता क्या आया हुआ है वो भी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बच्चों कि फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है, उंगली छापन मेथड का बेस क्या है, तो सीधा सा उसको समझ लो, वो एक वीएनटीआर वर्ड आता ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, अरे कौन सा डीएनए, जो सैटेलाइट डीएनए बच्चों होता है, सैटेलाइट डीएनए, वो सैटेलाइट में वो बताते हैं मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, तो मिनी सैटेलाइट जो है इन्हीं के लिए क्या बताता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, और यही बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग का बेस।
द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स इन डीएनए है, प्यूरिन पायरिमिडीन का तो प्रोपोर्शन थोड़ी होता है. रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए अकर्ड इन ब्लड स्किन सलाइवा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रिजेजेंट ग्रुप, सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट, जिसमें कोई ना कोई सिक्वेंस बार बार हाईली क्या होती है, रिपीट होती है. वो आ गया अपना क्या, सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट में भी ध्यान रख लेना कौन सा, मिनी सैटेलाइट, जिसको VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट बच्चों के डायग्रामेटिक सर्क्यूलेशन दिख रहा है, देखो क्या है, ये फीमेल मेल डॉटर सन ऐसे बना के बता रखा है. क्या पूछा देखो आपसे, ये पूछा रिप्रेजेंटेड बिलो इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन Could be an example of this pattern. इस pattern का कौन सा example है? कौन सी disease में pattern follow होता है? Pattern आपको ऐसे दे दिया, इधर male father दे दिया, इधर female mother दे दी, माँ से son में, father से daughter में, ये वाला ऐसे criss cross हो गया ना बच्चों, opposite sex में transfer होता है उसको criss cross बोल देते हैं. ध्यान है भाई, father से अगर बेटे में जा रहा है, male से male में जा रहा है तो non criss cross. फादर टू डॉटर, माँ से बेटे में, तो अपोजिट सेक्स में जा रहा है तो वो क्रिस क्रॉस जिगजेग आ गई. क्रिस क्रॉस के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस. अपने को पता है कि भाई फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा ट्रांसफर टू डॉटर, फादर का एक्स ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर. तो क्रिस क्रॉस में ये लो हिमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस इनको एक्सप्लेन करेगा. बाकी तो ये ऑटोसोमल है तो कैसे भी ट्रांसफर हो सकते हैं, दोनों में इक्वली ट्रांसफर होते हैं, जबकि एक्स लिंक्ड वगैरह होते हैं ना, ये क्रिस क्रॉस वाले हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता. फादर का जो एक्स है वो ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर. एक और डायग्रामेटिक क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है बच्चों, डायग्राम कौन से चैप्टर का याद आ रहा है, हाँ 11th NCERT का टिश्यू वाला चैप्टर, 7th चैप्टर का है डायग्राम कनेक्टिव टिश्यू का. देख लो इस डायग्राम को, ये बता ही रखा है, थोड़ा सा दे रखा है, देख लेना आप, उसमें है अपने NCERT में ये वो दे रखा ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वाला ये बच्चों, ये सेल्स मैक्रोफेज वगैरह वो सब बता रखी है, देख लियो तो थोड़ा सा क्लियर नहीं, आप इसको अपनी उसी में देख लेना NCERT से, वहाँ पता चल जाएगा. तो ये एक तो इन सेल्स के बारे में पूछा हुआ है, ए ये तो मैक्रोफेज है, बिल्कुल उसी डायग्राम से उठा ली. बी ये फाइबर बनाने वाली फाइब्रोब्लास्ट सेल है बच्चों, और जो फाइबर बनते हैं मेनली वो कोलेजन फाइबर है. और डी यहाँ ये मास्ट सेल है, बिल्कुल NCERT का डायग्राम ही है. तो ए मैक्रोफेज है फेगोसाइटोसिस वाली, फाइब्रोब्लास्ट वो है जो फाइबर बनाती है, मेनली कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर जो सबसे ज्यादा है, और एक मास्ट सेल आ गई, मास्ट सेल जिससे वो हाँ क्या हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज होता है. तो इसमें फर्स्ट ही है, बिल्कुल NCERT का डायग्राम ही है, उसको देख लेना. 11th NCERT के 7th चैप्टर का क्वेश्चन है. अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, एनिमल के नाम और कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट उत्सर्जी पदार्थ हो एक्सक्रीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उसके लिए मैच करना सही. अमोनोटेलिक अमोनिया वाले पिजन ह्यूमन कबूतर, यूरिको होता है, हम यूरियो होते हैं, गलत हो गया, यहीं आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. फ्रोग और लिजार्ड अमोनो नहीं, फ्रोग तो यूरिया होता है, छिपकली यूरिक एसिड होती है. एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक है तो अमोनिया है, चल रहा है. यूरियोटेलिक में फ्रोग और ह्यूमंस सही है, यूरिकोटेलिक में पिजन लिजार्ड और कॉकरोच, थर्ड गया बच्चों येलो. मैं यूरिक एसिड वाले आपको बताता भी हूँ, यूरिक एसिड वाले याद रखो, यूरिकोटेलिक के चार इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों को रिब्स से मैं बता देता हूँ. आर से तो आगे रेप्टाइल्स, आई से आगे इंसेक्ट, बी से आगे बर्ड्स, और एस से आ गया लैंड स्नेल. तो यूरिक एसिड वाला बच्चों इस रिब्स से याद रख लियो, ठीक है, क्लियर है. चले अगला क्वेश्चन, Where do certain symbiotic microorganism normally occur in human body? मानव शरीर में कहाँ खास सजीवी सूक्ष्म जीव कहाँ देखे जाते हैं? तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर में बच्चों दे रखा है कहाँ, सीकम अंधनाल, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का जो पार्ट सीकम है वहाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ईकोलाई वगैरह बच्चों वो वहाँ होस्ट रहते हैं, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कुछ विटामिन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो किस पार्ट में मिलेंगे? सीकम वाले पार्ट में। तो आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर है? हाँ, एनसीईआरटी में लाइन है बिल्कुल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज करेक्टली कैटेगराइज्ड? रासायनिक पदार्थों का कौन सा समूह सही सुमेलित किया गया है? हार्मोन का क्वेश्चन। कैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन थायराइड हार्मोन है बच्चों। कैल्सिटोनिन तो थायराइड है, बट थाइमोसिन तो थाइमस ग्रंथि से आता है ना, गलत हो गया। पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन टू डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटेड इन स्टमक। पेप्सिन तो डाइजेस्टिव है, बट प्रोलैक्टिन ये डाइजेस्टिव थोड़ी है। प्रोलैक्टिन तो वो है मेमरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसाइज वाला। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्टेटेड मसल्स। रेखित पेशियों की जटिल प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, वही सही है। सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। सिक्रेटिन तो होगा, रोडोप्सिन तो बच्चों रेटिना की रोड सेल में मिलने वाला पिगमेंट, हार्मोन नहीं होता। तो आंसर गया थर्ड। अगला क्वेश्चन टिश्यू वाले चैप्टर का ले लो। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर एग्जांपल ऑफ। मानव के एक्सटर्नल ईयर और नोज टिप में जो मिलती है वो किसका एग्जांपल है? क्या है बच्चों? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है तो कार्टिलेज हुआ। कार्टिलेज में भी कौन सा, कार्टिलेज में भी कौन सा हुआ, कौन सा? इलास्टिन कार्टिलेज। तो अब इसमें याद रख लेना बच्चों, ई से मैं कुछ वर्ड बता देता हूं ना, ई से मैंने बोला ईयर पिन्ना याद रखने के लिए। ई से आया एपिग्लोटिस, ढक्कन होता ना ग्लोटिस, एपिग्लोटिस वाला। ई से यूस्टेकियन ट्यूब, ध्यान आई क्या? मिडल ईयर को फैरिंग से जोड़ती है। ये तीनों जो ई से है वो ई से ही किसके बने होंगे? इलास्टिन कार्टिलेज के। इलास्टिन कार्टिलेज इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लियो। प्रत्यास्थ उपास्थि, तो कार्टिलेज आ गया इलास्टिन, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन फिर से टिश्यू वाले चैप्टर का डायग्राम है बच्चों, देख लो। ये चारों डायग्राम आपको टिश्यू वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला डायग्राम तो है वो कॉलमनर एपिथीलियम, ये वो सेल्स का दे रखा है। ये वो डेंस रेगुलर और इरेगुलर, ये दे रखा है रेगुलर वाला। एक ये कार्डियक मसल्स का, जिसमें ब्रांच होती है ना बच्चों, कार्डियक हृदय पेशियों का, ठीक है। मैच द कॉलम देख लो, इसमें मैच कर लो। बी ग्लैंडुलर एपिथीलियम, बी ग्रंथि उपकला, ठीक है, ग्लैंड से ग्लैंडुलर एपिथीलियम है। लोकेशन इंटेस्टाइन फंक्शन सिक्रीशन, आंत में होती है, काम इसका स्त्रावण है, सही बात लग रही है अपने को। तो आगे भी देख लो। सी कोलेजन फाइबर, लोकेशन कार्टिलेज, अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। कोलेजन फाइबर बच्चों कार्टिलेज के रेफरेंस में नहीं आते। स्मूथ मसल टिश्यू, डी स्मूथ मसल्स, डी तो कौन सा है, कार्डियक मसल्स आ गई। ए कोलमनर एपिथीलियम, कोलमनर है नेफ्रोन में सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेफ्रोन में मोस्टली बच्चों पीसीटी डीसीटी में क्यूबोइडल होती है, ना कि कोलमनर। तो पहला आंसर जा रहा है, फर्स्ट हो रहा है इसका आंसर, बिल्कुल डायग्रामेटिक ये फर्स्ट गया। चले आगे 106। ए फॉल इन GFR एक्टिवेट्स एक्सिडेटरी सिस्टम का क्वेश्चन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब बच्चों कम हो जाती है, नॉर्मली तो 125 ml पर मिनट बताते हैं, इसके कम होने से वापस बढ़ाने के लिए कौन सी सेल? जेजी सेल्स। जेजी सेल्स से बच्चों कौन सा हार्मोन आ रहा है? रेनिन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से रेनिन हार्मोन रिलीज होता है। आंसर गया फर्स्ट, सीधा ही गया। फिर वो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट बदलेगा सेकंड में, फिर वो सेकंड बच्चों वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बीपी बढ़ाएगा, बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। Which one of the following characteristics is common both in human and adult frog? मानव और वयस्क मेंढक में कौन सा character common है? अब देखो बच्चों, वैसे तो frog syllabus में NCERT NEET में दे नहीं रखा है, केवल cockroach बता रखा है, but frog और human के system से connected कुछ question एक साथ compare करके पूछ लेते हैं। जैसे यूरिथ्रा वाला आ रखा है, वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट का भी पूछा हुआ है, हार्ट के रेफरेंस में भी कंपेयर करके पूछा हुआ है। तो मैंने हर सिस्टम में आपको ह्यूमन फ्रॉग के मेन मेन डिफरेंसेस बता ही रखे हैं। तो क्वेश्चन तो वैसे सीधा सही है, दोनों में 4 chamber हार्ट होता है, गलत है। फ्रॉग में तो 3 होता है ना, एम्फीबिया है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन गलत हो गया, फ्रॉग में तो एक्सटर्नल होता है, पानी में बाहर होता है।
न्यूक्लियेटेड आरबीसी, ये भी गलत है। न्यूक्लियेटेड फ्रॉग में तो होती है, बट मैमल्स की आरबीसी ई न्यूक्लियेटेड होती है, ध्यान है ना, उसमें केंद्रक नहीं होता बच्चों। यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यूरियोटेलिक तो पीछे आ गया, तो फ्रॉग, मैमल्स, एक कार्टिलेज फिश, एक अर्थवॉर्म केंचुआ, ये चार बच्चों याद रख लो जो किसका एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का। फ्रॉग, मैमल्स, कार्टिलेजिनस फिश और अर्थवॉर्म यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का एक्सक्रीट करने वाले। एक ये डायग्राम का, फिर क्वेश्चन डायग्राम, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चों, देख लो आपको एनिमल एम्ब्रियोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम दिख जाएगा। ये डायग्राम किसका है, ब्लास्टोसिस्ट का है, कोरक पुटी जो स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टुला होता ना अभी फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, इस ब्लास्टुला को ह्यूमन में बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसकी आउटर कवरिंग तो बच्चों होती है ट्रोफोब्लास्ट, पोस्ट कोरक ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, इनर सेल मास, और कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। इनर सेल मास जो है यही फ्यूचर में बनाता है एम्ब्रियो, क्लियर। तो डेवलपमेंट स्टेज कौन सी है, ब्लास्टोसिस्ट है, थर्ड में दे रखा है, कहां मिलेगी, यूटेराइन वॉल में, ये ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस की वॉल एंडोमेट्रियम से जाके चिपक जाएगा, उसी को इम्प्लांटेशन रोपण कहते हैं, ठीक है बच्चों, थर्ड हो गया ना, चलो फिर हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड कौन सा है, स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा को बच्चों ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक, यहाँ ब्लड स्टोर होता है, डेड आरबीसी को तोड़ा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा कहाँ मिलता है, स्टमक के पास, आमाशय के पास होता है। चलो, द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन बच्चों चार फेज होती है, पहली ब्लीडिंग फेज आ गई, प्री ओवुलेटरी फेज आ गई, ओवुलेटरी आ गई, पोस्ट ओवुलेटरी आ गई, जिसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं अपन, क्योंकि इसमें क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम, तो ये 3 to 5 days होती है, ये 6 to 13 days, ओवुलेशन वाली 14 दिन, ये 15 से लेकर लास्ट 28 days तक। तो ल्यूटियल फेज की बात कर रहा है, उसके रेफरेंस में ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 6 days, 6 दिन के लिए थोड़ी है, 15 से 28 दिन, सबसे लॉन्गेस्ट फेज यही होती है बच्चों, 13 days के लमसम, ल्यूटियल फेज एंड लास्ट अबाउट 13 days, थर्ड हो गया, 13 days के लमसम रहेगी, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी है, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सही कथन का चुनाव करो, जैव विविधता, द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीसीज एज वेल एज न्यूमरस रेयर एनिमल, लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये बच्चों जो बीटी कॉटन के थे फाइनली एडवर्स इफेक्ट आना स्टार्ट हो चुके थे, एलर्जी टाइप कुछ सिम्टम, बीटी ब्रिंजल बैंगन को तो फिर बंद ही कर दिया, बैन ही कर दिया था। वेस्टर्न घाट हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म, हो गया ना, वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट बच्चों, जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो, हॉट स्पॉट बोलते हैं ना, उसमें वेस्टर्न घाट आ गया, इंडो बर्मा वाला एरिया आ गया और हिमालय वाला आ गया, तो इंडिया में 3 कंसिडर करते हैं अपन हॉट स्पॉट जहाँ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, थर्ड ही हो गया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जस्ट ए फैड परस्यूड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों की एकमात्र सनक नहीं बच्चों, रिक्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी एनरिच्ड जैव विविधता से सारा इकोसिस्टम कनेक्टेड होता है। चले आगे, चलो, द डोमेस्टिक सेवेज इन लार्ज सिटीज, इकोलॉजी का इक्वेशन आ गया, बड़े शहरों में जो घरेलू मलजल है उनको कैसे बच्चों वो ड्रेनेज वाला करते हैं, एज ए हाई बीओडी एज इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया, इसकी बीओडी हाई है क्योंकि इसमें वाईवी और एवाईवी बैक्टीरिया होते हैं, इस वजह से होती है कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से बच्चों, हाँ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से होती है ना, ये तो गलत हो गया, इज प्रोसेस बाई एरोबिक एंड देन एनोरोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, पहले तो उस टैंक में डालते हैं बच्चों जिसमें एरोबिक एरेशन करवाते हैं, देन फिर वो ऊपर फ्लो जिसको अपन एक्टिवेटेड स्लज बोल देते हैं, फिर वहां से उठा के दूसरे टैंक में ले आते हैं बच्चों,
और उसमें फिर वो एनएरोबिक और एरोबिक इन बैक्टीरिया से उनको ट्रीट टू मेथनोजन बैक्टीरिया वगैरह से करवाते ना, सेकेंड ही हो गया। When treated STPs doesn't really require the aeration step तो चाहिए, has very high amount of suspended solid and dissolved water तो नहीं, तो इसमें आंसर आ गया सेकेंड, करेक्ट पूछा आपसे। नेक्स्ट, which one of the following set of item in the option 1 to 4 are correctly categorized with one exception in it? इन चारों को किस में सही मिलाया गया है, एक एक अपवाद के सहित। तो ऐसे कई मिस द कॉलम वाले क्वेश्चन 2000 मेंस में बच्चों पूछे गए थे 12 में। पहले आइटम दे रखे UAA, UAG, UGA, कौन से कोडोन है? स्टॉप कोडोन है, नॉनसेंस कोडोन है, जिस जो चेन को ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे बच्चों। कैटेगरी स्टॉप कोडोन सही है, एक्सेप्शन यूएजी, यूएजी अपवाद आ गया, इन तीनों में से नहीं है, तीनों ही नॉनसेंस कोडोन है, तो इनका ये एक्सेप्शन नहीं है, गलत हुआ। कंगारू, कोआला, वोम्बेट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में एक डायग्राम देके बच्चों समझा रखा है, एडेप्टिव रेडिएशन वाले में, हाँ दो पेज पे दे रखे ना, उनमें ये कोआला, कंगारू, वोम्बेट ये ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले मार्सुपियल होते हैं, पाउच वाले मेमल्स, वोम्बेट इसका एक्सेप्शन नहीं है, वही है। प्लाज्मोडियम कस्कूटा ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम कस्कूटा ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोवन पैरासाइट है, और इसमें अपवाद है कस्कूटा, कस्कूटा प्रोटोजोवन नहीं है, बाकी प्लाज्मोडियम ट्रिपेनोसोमा दोनों कौन है, प्रोटोजोवन पैरासाइट है, सही आ रहा है। टाइफाइड न्यूमोनिया डिफ्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें डिफ्थीरिया अपवाद है, गलत बात बच्चों, टाइफाइड न्यूमोनिया डिफ्थीरिया तीनों ही बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है, तो इसमें आंसर गया थर्ड, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा दिखा दूं मैं डायग्रामेटिकली क्या है, इकोलॉजी से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है। Identify likely organism A, B, C, D in the food web, खाद्य जाल में अपने को ढूंढना है, यहां दे रखा है, आपको दिख रहा है, देखो ना मैं बोल के बता देता हूं, ये बच्चों दे रखा है वेजिटेशन और सीड, वेजिटेशन सीड बीज, वेजिटेशन इनको खाने वाले ए बी डी, तो वेजिटेशन पर ये ए डिपेंड है ना, ये तो हर्बीवोरस ही होगा, सीड पे डिपेंड रहेगा, बी भी डिपेंड है तो ये भी हर्बीवोरस होगा बच्चों, डी इस पे सीधा डिपेंड है तो ये भी क्या होना चाहिए, हर्बीवोरस, तो चेक कर लो, ए में डियर हिरण ठीक है हर्बीवोरस है, बी रैबिट खरगोश हर्बीवोरस है, सी आगे आ गया डी रेट चूहा, सही जा रहा है, और सी फ्रोग, देख लो ये ग्रास ऊपर राम जी के घोड़े टिड्डे, इनको फ्रोग खा सकता है, फ्रोग को फिर सांप खा सकते हैं, पहला ही सही जा रहा है, और मैच कर लो दूसरे में, पहले में डोग आ रहा है तो ए तो हर्बीवोरस होना चाहिए जो सीड पर डिपेंड करेगा, कुत्ता नहीं हो सकता, गलत हुआ, रेट कंसीडर कर सकते हैं, बी हर्बीवोरस है डॉग नहीं होगा, ए स्क्विरल ठीक है, बी कैट नहीं होगी, तो आंसर गया फर्स्ट, फूड वेब से कनेक्टेड है, तो जो सीधे प्रोड्यूसर और इन पे डिपेंड रहे बच्चों वो हर्बीवोरस ही होते हैं ना। अगले क्वेश्चन पे चले, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इज द इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रोप, इनमें से कितने बच्चों ऑटोट्रोप है, कितने स्वपोषी है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, देख लो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, गलत, नोस्टॉक के नाम भी ना हो जाएगा है ना, साइनोबैक्टीरिया कारा सही है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं होगा, सैक्रोमाइसिस नहीं होगा, ट्रिपेनोसोमा नहीं है, पोरफायरा और वुल्फिया, वुल्फिया तो स्मॉल एंजियोस्पर्म आता है, पोरफायरा एल्गी है, तो 1 2 3 4 5 4 6 6 आ गए थर्ड में, ऑटोट्रोफ होते हैं बच्चों। नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन बच्चों, रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट एंड आंसर इज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम, चार पांच कथनों को पढ़ो और ये लास्ट में पूछ रहा है वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही कथन का चुनाव करो, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए इस पेपर में बच्चों। पहला स्टेटमेंट आ रहा है, इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, इक्विसिटम होस्टेल वाला वही, इसमें बच्चों जो मादा युग्मकोद्भिद है वो बीजाणुद्भिद पर बना रहता है, इज रिटेन बिल्कुल उस पे स्पोरोफाइट पे रहता है ना, ट्रू स्टेटमेंट है ये। इन गिंको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इनडिपेंडेंट, गिंको में नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता, होता बच्चों नोट की वजह से फॉल्स हुआ। स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड दैट इन पॉलीट्राइकम, मोर डेवलप्ड, पॉलीट्राइकम और रिक्शिया सेम है लेकिन ये इसके कंपेयर मोर डेवलप्ड या एडवांस नहीं होता, मिल जाएगा एनसीईआरटी में, फॉल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वॉक्स इज आइसोगेमस, वोल्वॉक्स बच्चों जो कॉलोनियल एल्गी है निवही सेवाल, आइसो की जगह उसमें ऊगेमस वर्ड यूज करते हैं, ऊगेमस
ओगैमस होता है ना, आइसो का मतलब तो मॉर्फोलॉजिकल और सिमिलर हो गए, ओगैमस जिसमें फीमेल गैमेट लार्जर देन मेल, ये भी गलत है। स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल, स्लाइम मोल्ड के स्पोर में सेल वॉल नहीं होती, ये बच्चों वैसे भी इंपॉर्टेंट है, स्लाइम मोल्ड में उसमें सेल वॉल नहीं होती, बट बच्चों इसके स्पोर जो होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए वो टू किंगडम में इनको कहीं पर भी अपन कंसिडर नहीं करते, तो ई भी फॉल्स। तो ए ट्रू है, बाकी बी सी डी ई कैसे हुए फॉल्स, तो करेक्ट पूछा तो करेक्ट एक ही है, एक का मतलब आंसर गया फोर्थ। क्लियर, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड अंडर, पंच जगत संकल्पना में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ग्रीन एल्गी को कहां रखा गया है, वही रॉबर्ट विटेकर वाला, तो इनको किसमें रखा गया था प्रोटिस्टा में, बस क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला किसमें आ गई प्रोटिस्टा आ गई बच्चों। अगला, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टाइड इज रिक्वायर, कार्बोक्सीपेप्टाइड को एक्टिविटी के लिए सक्रियता के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिंक, ध्यान रख लियो कार्बोक्सीपेप्टाइड, और एक बच्चों बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम है कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन दोनों को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, जिंक की। कार्बोक्सीपेप्टाइड वो पैंक्रियाटिक जूस में प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड होता है, देन वो कार्बोक्सीपेप्टाइड बनता है बच्चों, पेप्टाइड का मतलब ही जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, कौन सी संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है, एक ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल होता है बच्चों, तो देख लो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन मिलेंगे राइबोसोम, तो ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल कौन हो गया राइबोसोम। अच्छा क्वेश्चन, तो आज के बच्चों अपन ने इस लेक्चर में जो AIPMT 2012 मेंस का जो बायो का पेपर था उसका सॉल्यूशन किया, अगले लेक्चर में बच्चों में जो AIPMT 2012 के प्री का पेपर है वो जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो जो अपन ने प्रॉमिस किया था 2011 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस का उसमें अपन लगे हुए हैं, अब 2012 मेंस के अलावा 11 का पेपर उसके बाद में आपको एग्जाम से पहले सोल्व करा दूंगा। उम्मीद है आप लोग वजीजान ऑनेस्टली से लगे हुए हो, क्योंकि अपना टारगेट बच्चों अपने को पता है 2020 में नाम के आगे डॉक्टर लगाना, तो बच्चों जुड़े रहो भाई ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ, मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक आप मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।